ये सारे ड्रामे बंद कर दीजिए। लगता है कि अब बहुत हो गया, अब जो है ये सब ड्रामा बंद करना चाहिए। ये अगर आप इलेक्ट्रिक्स नहीं खेलते हैं तो आपको साफ साफ कहना चाहिए कि भैया हम वर्ल्ड कप में भी खेलने के बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। फिर अल्टीमेटली जुट जाता है चैंपियंस ट्रॉफी से, तो बहुत कुछ बातें निकल कर आई, जिसने एक तरीके से खुले तौर पर नजम सेठी ने कह दिया या फिर बीसीसीआई को, भारतीय क्रिकेट बोर्ड को धमकी दे दी है कि आप अगर एशिया कप का नया मॉडल जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम वर्ल्ड कप नहीं आएंगे, फिर चाहे उसके बाद आगे जो भी हो, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी है, तमाम चीजें हैं। एशिया कप का नया हाइब्रिड मॉडल बीसीसीआई को प्रपोज किया, एशियन क्रिकेट काउंसिल को प्रपोज किया, उनका ये मानना है कि बाकी जो मेंबरान है उनको वो मंजूर है, और तो उनका हाइब्रिड मॉडल जो उन्होंने एशिया कप का प्रपोज किया है, उन्होंने ब्रॉडकास्टर का भी नाम ले लिया, उन्होंने कहा जी आप मत कराओ फिर एशिया कप, अगर नहीं होता है तो फिर ठीक है, फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल खत्म। तो उन्होंने उसको एशिया कप से नहीं जोड़ा, बाय द वे उन्होंने तो थ्रेट ही कर दिया आपको कि हम नहीं आ रहे इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने के लिए। सामने क्रम पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो तनाजा चल रहा है, उसमें पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी उस वक्त हुई जब भारत के प्राइम मीडिया चैनल्स पर बड़े बड़े न्यूज एंकर्स पाकिस्तान के मौकिफ की तायीद करते दिखाई दी। वैसे हमेशा से ये होता आया है कि जब भी पाकिस्तान का कोई भी प्रिंसिपल स्टैंड ही क्यों ना हो, भारत के मीडिया ने हमेशा अपने क्रिकेट बोर्ड का साथ दिया है और पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने की हमेशा कोशिश की है। लेकिन अब की बार पाकिस्तान के जबरदस्त मौकिफ ने और नजम सेठी साहब ने जो भारतीय बोर्ड को भारत के मीडिया पर बैठ कर उनकी औकात दिखाई है, उसने तो भारत के बड़े बड़े मीडिया एंकर्स और नामवर चेहरों को भी पाकिस्तान के मौकिफ की तायीद करने पर मजबूर कर दिया है। सबसे अहम बात यह है कि अब न सिर्फ वो बरमला इस बात का इजहार करते हैं कि पाकिस्तान अपने मौकिफ पर बिल्कुल दुरुस्त खड़ा है, बल्कि साथ ही साथ वो ये कहते भी दिखाई देते हैं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पैसों के लिए क्रिकेट को हमेशा खराब किया है, चाहे आईपीएल हो, उसमें लगने वाले सट्टे हो, मैच फिक्सिंग हो, या फिर छोटे नेशंस को जो क्रिकेट में नए आए हैं या फिर माली लिहाज से कमजोर हैं उन्हें दबाना हो, ये सब कुछ क्रिकेट के हुस्न को बर्बाद करता नजर आता है। इस सारे मामले में आगे चलकर आपको डिटेल में बताएंगे कि किस तरह भारत का मीडिया अब खुलकर पाकिस्तानी मौकिफ की तायीद कर रहा है, बड़े बड़े चेहरे कैसे बयान दे रहे हैं और भारत को ये कहते दिखाई देते हैं कि तुमने अगर बायलेटरल नहीं खेलनी तो फिर तुम किस तरह पाकिस्तान के साथ टूर्नामेंट्स के मैचेस खेलते हो, चाहे वर्ल्ड कप हो या फिर एशिया कप, या फिर तुम इतने ही प्रिंसिपली ठीक हो, तुम पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क समझते हो, तो फिर दुनिया के टूर्नामेंट्स में खेलने की आखिर क्या तुक बनती है। आइए आपको लेकर चलते हैं और उन एंकर्स के वीडियो क्लिप्स दिखाते हैं जो पाकिस्तान की जीत का यादा भी कर रहे हैं और साथ ही साथ भारतीय क्रिकेट बोर्ड को उसकी औकात भी दिखाते नजर आ रहे हैं। एशिया कप को लेकर बहुत ज्यादा सस्पेंस वहां पर चल रहा है, एशिया कप को जोड़ा जा रहा है वर्ल्ड कप से, फिर अल्टीमेटली जुड़ जाता है चैंपियंस ट्रॉफी से, तो बहुत कुछ बातें निकल कर आई, जिसमें एक तरीके से खुले तौर पर नजम सेठी ने कह दिया या फिर बीसीसीआई को, भारतीय क्रिकेट बोर्ड को एक धमकी दे दी है कि आप अगर एशिया कप का नया मॉडल जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम वर्ल्ड कप नहीं आएंगे, फिर चाहे आप उसके बाद आगे जो भी हो, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी है, तमाम चीजें हैं। तो विक्रांत सर, क्योंकि बड़ी बातें जो उस इंटरव्यू में से जो राहुल ने किया अभी अभी, वो ये है कि जी उन्होंने एक एशिया कप का नया हाइब्रिड मॉडल बीसीसीआई को प्रपोज किया, एशियन क्रिकेट काउंसिल को प्रपोज किया, और उनका ये मानना है कि बाकी जो मेंबरान है उनको वो मंजूर है, और तो उनका हाइब्रिड मॉडल जो उन्होंने एशिया कप का प्रपोज किया है, उन्होंने ब्रॉडकास्टर का भी नाम ले लिया, उन्होंने कहा जी आप मत कराओ फिर एशिया कप, अगर नहीं होता है तो फिर ठीक है, फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल खत्म, उन्होंने कहा जी ब्रॉडकास्टर करेगा नहीं, ये भी फैक्ट है। तो उन्होंने कहा कि जो छह टीमें हैं उनमें से एक इंडिया पहुंच जाए न्यूट्रल कंट्री आराम से बैठ जाए, तो जो चार पांच मैचेस हैं इंडिया के अलावा सारे मैचेस, वो जी हमने पांच छह मैच कराए पाकिस्तान में एक हफ्ते में, और फिर सारा का सारा जो है सर्कस पहुंच गई न्यूट्रल कंट्री जहां पर इंडिया इज ऑलरेडी वेटिंग। इंडिया ने पाकिस्तान से खेलना है, इंडिया ने श्रीलंका से खेलना है, इंडिया ने बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, ठीक है, ये आपके सबके मैचेस हो गए, उसके बाद जी फाइनल जो है वो भी हम न्यूट्रल कंट्री में करने को तैयार हैं अगर इंडिया जाएगा तो। बीसीसीआई की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल कोई वो नहीं है, लेकिन दे आर मेंटेनिंग कि हमारी गवर्नमेंट मना कर रही है डिप्लोमेटिक, क्योंकि उस तरह डिप्लोमेटिक एज इन आपके उस तरह के रिश्ते नहीं है तो आप पाकिस्तान नहीं जा सकते, बट आपको यह मानना होगा कि यह जो फॉर्मूला उन्होंने दिया है वो आपको कह रहे हैं आप बताओ, बट लॉजिस्टिकली बांग्लादेश बोर्ड ने, श्रीलंकन बोर्ड ने एंड इंडियन बोर्ड ने ये पहले तीनों ने रिजेक्ट कर दिया था ये कह के कि लॉजिस्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। हालांकि नजम सेठी साहब ने यह कहा राहुल को कि बांग्लादेश ने तो मान लिया है, और कह रहे हैं जो बड़ी खबर निकल कर आई है वो है कि उन्होंने कहा जी ये हाइब्रिड मॉडल एशिया कप का है और इसी हाइब्रिड मॉडल पर हम वर्ल्ड कप खेल लेंगे, मतलब इंडिया में वर्ल्ड कप होगा तो भाई हम अपने मैच किसी थर्ड कंट्री में खेल लेंगे और इसी तरह का हाइब्रिड मॉडल जब 25 का चैंपियंस ट्रॉफी है उसमें कर लेंगे कि इंडिया के मैचेस कहीं और करा देंगे। आई डोंट थिंक नजम सेठी साहब कैन डिसाइड राइट नाउ कि वंश से राहुल ने पूछा
अगर राहुल को याद हो कि भाई क्या आप आईसीसी सैंक्शंस फेस करने को तैयार हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप की बात हो रही है। तो उन्होंने कहा किस चीज के सैंक्शंस? उन्होंने कहा हम ये प्रूव कर देंगे कि सिक्योरिटी थ्रेट है हमारी टीम को इन इंडिया। सुन लीजिए ना, उन्होंने वर्ल्ड कप में ये कहा कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेलने आएंगे इंडिया, हमारी हुकूमत यानी कि उनकी सरकार ने मना कर दिया है। तो अभी तक तो हम जो अखबारों में पढ़ रहे हैं इंडियन मीडिया में कि जी अश्योरेंस छोड़िए, हमारी तो सरकार ने मना कर दिया, हम तो इंडिया आ ही नहीं सकते। तो उन्होंने उसको एशिया कप से नहीं जोड़ा बाय द वे, उन्होंने तो थ्रेट ही कर दिया आपको कि हम नहीं आ रहे हैं इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने के लिए। मनोज, मुझे तो अब ये लगता है कि ये ना एक ईगो टसल हो चुका है राधर। अब सवाल ये होता है कि हु विल ब्लिंक फर्स्ट। देख अब क्या है, उन्होंने आकर ये बोल दिया है कि भाई एशिया कप होगा तो पाकिस्तान में होगा। और सबसे जो नजम सेठी ने बात कही कि भाई कि हमने बहरीन में एक महीने पहले जब ये बात करी थी, हाइब्रिड मॉडल प्रपोज किया था, तो हमें जयशाह ने कहा कि भाई हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये जयशाह पार्टी नहीं, आपकी बात ठीक, आई थिंक ये पॉस्चरिंग है, बिल्कुल ये 100% पॉस्चरिंग है। और इसमें भी अभी देखिए क्या होता है कि आप जो कहेंगे अंदर से आप भी जानते हैं कि ये सारी की सारी चीजें 100% मुकम्मल तौर पर कबूल नहीं की जाती, एंड यू ऑलवेज रेडी फॉर दैट गिव एंड टेक। बट मुझे लगता है कि राइट नाउ आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज बाइटिंग मोर देन व्हाट दे कैन चू। वो जो वर्ल्ड कप की बात कर गए ना, वो थोड़ा आपको थ्रेट करने के चक्कर में एंटेगनाइज ही करेगा। आपने कहा जी हम नहीं आते वर्ल्ड कप खेलने, हमारी सरकार जो है वो इजाजत नहीं देगी। अगर उनकी सरकार इजाजत नहीं देगी, वो एक डिफरेंट मौकिफ है। जैसे इंडिया भी यही कहता है कि जी हमारी सरकार इजाजत नहीं देती, बट ये आईसीसी इवेंट्स में इससे पहले पाकिस्तान आया है। एंड मैंने तो उस दिन भी कहा था कि जब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान होगा, बिकॉज इट्स एन आईसीसी इवेंट, इंडिया विल हैव टू गो एंड इंडिया मस्ट गो। लेकिन देखो आप, पाकिस्तान ये कमर्शियल वैल्यू जानता है कि हर आईसीसी इवेंट में जो एक मैच इंडिया और पाकिस्तान का होता है। और आप जो मर्जी कहें, इंडिया को अगर आप टोटालिटी में देखें विश्व क्रिकेट में, तो कोई दूर दूर तक नहीं है, आपका क्लाउट है, सब कुछ है। बट जो आईसीसी इवेंट होते हैं जिसमें ब्रॉडकास्टर भी इतना पैसा देता है और आईसीसी स्पॉन्सर्स भी आते हैं, उसमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गेम इज राइट देयर। और आप ये भी देखो ना, आईसीसी का सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या रह गया? अभी कल परसों जो उसमें आया भी है, नहीं नहीं, वो फाइव नेशन इज अ वेस्ट ऑफ, मतलब वो आई थिंक देखो पॉस्चरिंग है। और बाय द फैक्ट इज उन्होंने ऑफिशियली एक दो तीन बातें बड़ी बोली। उन्होंने कहा जी एशिया कप अब पानी सर के ऊपर से है, मैं इसलिए इंटरव्यू दे रहा हूं, विच मींस ही नोस। फिर उन्होंने कहा जी अगर एशिया कप नहीं होता है तो ना सही, हम भी नहीं खेलेंगे।